बहुत साल पहले की बात है, एक बूढ़ी औरत ऐसे राज्य में रहती थी जिसकी रानी बहुत सुंदर थी। उसके चार बेटे थे जो आपस में लड़ते थे और उनकी पत्नियां भी एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी। वो सब एक ही घर में रहते थे लेकिन इतना लड़ते थे कि उन्होंने अलग रसोई रखी। बूढ़ी औरत चाहती थी कि सब एक साथ खुशी से रहे और एक दूसरे की मदद करे। उसने धमकी दी कि वो सबको घर से निकल देगी अगर वो एक साथ मिलकर नहीं रहेंगे। उसने यह भी कहा कि पैसे बचाने के लिए एक ही रसोई रखी जाएगी। ऐसे करने से उसे इस बात की उम्मीद थी कि सब एक साथ मिलकर रहने लगेंगे। बेटे थक गए और आखिर में उन्होंने अपनी माँ की बात मान ही ली। बेटे अपनी सारी कमाई अपनी माँ को देते थे क्योंकि वो गरीब थी। एक दिन सबसे छोटा बेटा काम की तलाश में शहर गया लेकिन निराश होकर वापस लौटा। रास्ते में उसने मरे हुए सांप को देखा और उसने उसे उठा लिया क्योंकि वो खाली हाथ नहीं वापस लौटना चाहता था। जब उसकी माँ ने उससे उसकी कमाई मांगी तो उसने उसको सांप दे दी। माँ ने उसे दिलासा दिया कि वो फिर से कोशिश करे। वो सांप किसी काम का नहीं था इसलिए उसने उसे छज्जे पर फेंक दिया। उसी दिन राज्य की रानी एक सुंदर से तालाब में नहाने गई। उसने अपनी एक कीमती हार अपने नौकरानियों के पास छोड़ दिया। अचानक एक चील ने चमकती हुई हार को देखा और उसे छीन कर ले गया। नौकरानियों ने चिल्लाया लेकिन कोई मदद करने नहीं आया। रानी इतनी उदास हो गई कि उसने ऐलान किया कि जिसने भी उस हार को ढूंढा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। उड़ते हुए चील ने बुढ़िया के छज्जे पर सांप देखा और उसे समझ में आया कि सांप को तो खाया जा सकता है लेकिन वो हार किसी काम का नहीं है। उसने हार को छोड़ दिया और सांप को ले गया। अगले दिन बूढ़ी औरत छज्जे पर कपड़े डालने गई तो उसने हार को देखा। वो जानती थी कि रानी वो हार कब से ढूंढ रही थी। दिवाली कुछ ही दिनों में होने वाली थी। इस मौके पर दिए जलाए जाते हैं को लक्ष्मी जी खुश करने के लिए। बूढ़ी औरत रानी के महल गई और चौकीदार से पूछा कि क्या वो रानी से मिल सकती है। रानी ने हार को देखा तो वो बहुत खुश हो गई और उसने वादा किया कि वो बूढ़ी औरत को बड़ी रकम देगी। बूढ़ी औरत ने मना कर दिया और बोली, मैं गरीब हूँ, इतनी बड़ी रकम मैं संभाल नहीं सकती। मेरी यह इच्छा है कि दिवाली पर सिर्फ मेरे ही घर में दिए जलाए जाए और किसी के घर में नहीं। रानी थोड़ा हैरान हुई लेकिन वो इतनी खुश थी कि उसने आदेश दिया कि सिर्फ बूढ़ी औरत के ही घर में दिए जलेंगे। बूढ़ी औरत ने अपने परिवार को घर का एक एक कोना साफ करने को कहा और खूबसूरत फूल से सजाने को भी कहा। सबने साथ में मिलकर काम किया और बूढ़ी औरत ने पूरे घर में दिए जलाए। 12 बजे लक्ष्मी जी आई और चारों तरफ अंधेरा देखकर निराश हो गई। लेकिन उन्होंने बूढ़ी औरत के घर में जलते हुए दिए देखे। क्योंकि उन्हें दिए पसंद थे उन्होंने बूढ़ी औरत के दरवाजे पर दस्तक दी। बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और अपने परिवार वालों को लक्ष्मी जी को फूल और मिठाइयों से स्वागत करने के लिए कहा। लक्ष्मी जी खुश हो गई और उन्होंने पूरे परिवार से कुछ बदले में मांगने के लिए कहा क्योंकि वो उनके भक्ति से प्रसन्न थी। बूढ़ी औरत ने कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारे घर में हमेशा के लिए रहे ताकि हम सदा खुशी से रह सके। लक्ष्मी जी सोचकर बोली, मैं रहने को तैयार हूँ लेकिन आप सबको एक साथ मिलकर रहना होगा, लड़ना नहीं है। अगर किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। सब इस बात से बहुत खुश थे कि लक्ष्मी जी संतुष्ट थी। वो सब उनकी बात मान गए और उसी दिन से पूरा परिवार मिलजुल कर साथ में रहने लगा और एक दूसरे की इज्जत करने लगे। बूढ़ी औरत इस बात से संतुष्ट थी कि उसकी इच्छा पूरी हो गई। इसी तरह से लक्ष्मी जी आने वाले पीढ़ियों के लिए भी उनके घर पर पधारी।